लिखा हुआ है। तो मैम ये कितना इजी था चैनलाइज करना सीएसआर फंड को, क्योंकि उसमें आपने अगर मैं सही हूं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट राजभवन का बहुत ज्यादा नहीं रहा, डायरेक्टली भी वो काम होने लगा एक टाइम के बाद जहाँ पे। आई हैव गॉन टू एलजी ऑफिस विद 30 इयर्स ऑफ एनजीओ एक्सपीरियंस एज वेल। आई हैव टू फाउंडेशंस, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन एंड इंडिया विजन फाउंडेशन। ये फाउंडेशंस तो यही तो करती हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ करती हैं। साधन नहीं भी होते, साधन क्रिएट करती हैं, लोगों को जोड़ती हैं। हम लोग सोना में तो बहुत वाटर का काम किया हमने। सो नहीं है साधन, ग्रांट्स नहीं है, डोनेशंस नहीं है, लेकिन हिम्मत से पंचायतों के थ्रू करते हैं हम लोग, कई फाउंडेशंस को भी जोड़ते हैं। तो ऐसे ही ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वर्किंग एज एन एनजीओ एज वेल, तो ये मेरा वॉलंटरी काम था। जैसे जैसे मेरी इंडियन पुलिस सर्विस बढ़ती गई, तरक्की होती, ऐसे ही मेरे एनजीओ में वर्क मेरा पैरेलल तरक्की करता रहा। एज अ स्टूडेंट इफ यू लर्न अर्ली लीडरशिप, और अर्ली लीडरशिप में क्या है, मिलके काम करना। आपको पहले ज्यादा काम अगर है तो पहले आप करके दिखाओ, अगर कोई डिफिकल्ट काम है तो आप पहले रिजॉल्व करो, साधन नहीं है तो आप ढूंढो, तो और साथ में लोगों को जोड़ो। सो टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रास रूट लीडर। एवरी डे हर एक के पास अधिकार था, टोकन लो और मुझे मिल लो और मेरी टीम को मिल लो, अपनी बात कहो, लिख के लाओ तो ठीक है, नहीं लिख के लाओ तो भी। तमिल बोलते थे सारे जने, जैसे प्रीति बोल रही है, मुझे तमिल नहीं आती थी तो मैं, लेकिन मेरे पास मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी इतना अच्छा था कि वो सेंस समझता था एंड आई वाज गेटिंग द मैसेज इमीडिएटली, प्रॉब्लम समझ आती थी। सो ऐसे ही एक बारी ऐसे ही टोकन लेके बच्चे आए, दे वर 3-4 बॉयज जिनकी चित्र भी है बुक में, तो वो आए थे इनके मैम वी वॉन्ट, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को तमिल में बोला हॉकी स्टिक, उसने कहा कि वो अपने टैमिल में बात किया, देन ही टोल्ड मी मैम दे कम हियर फॉर हॉकी।